हेलो एवरीवन वेलकम टू द डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी दिस इज अकेडमी दीपिका अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग देखिए बैंकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपको इसको करते हुए भी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है दैट इज ओवर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखिए ओवर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज नेचर एंड रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम है किसी भी इकोनॉमी का वो एक इम्पोर्टेंट टूल होता है किसके लिए उस इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए अब बात आती है कि जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो इकोनॉमी को कैसे डेवलप करेगा इकोनॉमी को डेवलप करता है वेल्थ को क्रिएट करके वेल्थ को क्रिएट कैसे करता है सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करके आपके कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो क्या करता है आपकी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करता है लिंक करता है जिससे आपकी इकोनॉमी डेवलप करती है आपकी इकोनॉमी कब डेवलप करेगी जब आपकी कंट्री इकोनॉमी का कॉरपोरेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर ये तीनों क्या करेंगे डेवलप करेंगे अब ये तीनों डेवलप कैसे करते हैं सपोज कि आप इंडिविजुअल पर्सन है आपके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है स्पेयर मनी रखी हुई है आपके पास जिसको आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप अगर अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आप सर्च करोगे कि मैं उसको किन किन सिक्योरिटीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ सपोज कि किसी कंपनी ने शेयर इशू किए आपने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया तो आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में कंपनी इन रिटर्न आपको क्या देगी डिविडेंड देगी आपको अपना जो स्पेयर पैसा था उसके थ्रू क्या मिल रहा है डिविडेंड मिल रहा है जिससे आप क्या कर रहे हो ग्रो कर रहे हो इट मीन्स आपका कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर ग्रो कर रहा है अब आपने वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है कंपनी उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करेगी तो उसके थ्रू कंपनी को इनकम जनरेट होगी तो इट मींस आपका दूसरा कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा कॉर्पोरेट सेक्टर सिमिलरली अगर आप अपने पैसे को किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा गवर्नमेंट सेक्टर तो जब कंट्री के कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हाउस सेक्टर तीनों सेक्टर ग्रो करते हैं तो आपकी इकोनॉमी क्या करती है ग्रो करती है और आपका फाइनेंशियल सिस्टम ये सब काम करता है कि आपकी सेविंग्स को उठाकर उसको उस जगह पर करवाता है जहां पर उस सेविंग का क्या है डेफिसिट है इट सरप्लस फंड्स को उठाकर जहां पर उस मनी की नीड है उसको उस जगह पर प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिस्टम सिस्टम के अंदर फर्दर पार्ट्स आते हैं आपके जो काम करते हैं इस सब चीजों के लिए दैट इज इंस्टीट्यूशन मार्केट हो गई आपकी और इसके साथ साथ आपके और क्या हो जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं जिन्हें हम फर्दर पढ़ेंगे देखिए मीनिंग दिया गया है फाइनेंशियल सिस्टम का फाइनेंशियल सिस्टम के मीनिंग में ये क्या कहता है आपका जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या करता है एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स आप कौन हो आपने अपना पैसा सेव किया इट मींस यू आर सेवर्स आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी आपके पैसे को ले रही है और फर्दर इन्वेस्ट कर रही है तो इट मीन कंपनी कौन है इन्वेस्टर्स है फाइनेंशियल सिस्टम क्या कर रहा है सरप्लस फंड्स को उठाकर उसको डेफिसिट जगह पर प्रोवाइड करवा रहा है बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो तीन चीजों पर काम करता है दैट इज फर्स्ट मनी क्रेडिट एंड फाइनेंस इन तीनों चीजों पर आपका फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर देखिए क्या क्या आते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट ये सब क्या होते हैं इन्हें हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे कुछ एक डेफिनेशन दी हुई है आप इनको स्टडी आउट कीजिएगा देखिए ये क्या क्या रहता है फाइनेंशियल सिस्टम आपका क्या है अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली इंटर रिलेटेड

इन्वेस्ट करोगे कैसे इन्वेस्ट करोगे तो फाइनेंशियल मार्केट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू आपका पैसा क्या है आपके पास से जहां पर उस पैसे की जरूरत है वहां पर जाकर इन्वेस्ट हो जाता है उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम की शेप कैसी है कंपोनेंट्स क्या है और उन कंपोनेंट्स का ऑर्डर क्या है देखिए बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो टू टाइप का होता है दैट इज फॉर्मल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को आप ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम भी बोल सकते हैं इसे फॉर्मल क्यों बोला जाता है क्योंकि इसे कुछ रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेट करती है रेगुलेटरी बॉडी में कौन कौन सी आ जाती है आपका आरबीआई हो गया से भी हो गया आपका और अदर रेगुलेटरीज बॉडीज हो गई और इनफॉर्मल सिस्टम जिसको रेगुलेटरीज बॉडी रेगुलेट नहीं करती इसको कौन रेगुलेट करता है आपके लोकल ब्रोकर्स हो जाते हैं ब्रोकर्स हो जाते हैं एनबीएफसी हो जाती है इन्वेस्टमेंट कंपनीज चीट फंड कंपनी ये सब रेगुलेट करती है किसको अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को फाइनेंशियल सिस्टम या आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है इज फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियर इन्हें हम फर्दर पढ़ेंगे क्या होते हैं हमने ऊपर पढ़ा था की फाइनेंशियल सिस्टम मेनली किसके ऊपर कंसर्न रखता है मनी क्रेडिट एंड फाइनेंस अब बात आती है मनी क्या होती है वी हैव टू समथिंग समथिंग फॉर अगर आप कुछ भी लेने के के लिए जाते हो मार्केट अंदर तो आपको क्या देना पड़ता है उसके लिए पेमेंट तो वो पेमेंट क्या है आपकी इन द फॉर्म ऑफ कैश अगर आप देते हो तो दैट इज मनी उसके बाद आता है क्रेडिट और लोन क्रेडिट और लोन आप समझते हो क्या होता है उधार अगर आप किसी से उधार पर पैसा ले रहे हो क्रेडिट so आप उसे लोन भी कह सकते हो जिसके रिटर्न में आपको क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट फाइनेंस क्या है एक मॉनेटरी रिसोर्स है इसके अंदर आपके डेट आ जाते हैं और ओनरशिप फंड्स आ जाते हैं एक डायग्राम ग हमें इसको स्टडी आउट कर लेते हैं जल्दी से देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या आता है फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है सॉरी आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट आ जाती है एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियट इसके अंदर आपके आते हैं बैंक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज म्यूचुअल फंड्स हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई एनबीएफसी आपकी फर्दर कुछ टाइप्स की होती है दैट इज लीजिंग कंपनी हायर परचेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वेंचर कैपिटल फंड एटसेट्रा आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो टू टाइप की होती है मनी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटी मार्केट को आप कैपिटल मार्केट भी बोल सकते हैं जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है प्राइमरी मार्केट दैट इज न्यू इश्यू मार्केट सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो इसके अंदर आपके आते हैं उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपके आते हैं प्राइमरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड डेरिवेटिव प्राइमरी के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे आपके शेयर्स आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे आपके डिवेंचर्स आ जाएंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स डिवेंचर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके फोर टाइप्स के होते हैं कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर प्रीमियम नोट्स एंड होमेंट्स में इनडायरेक्ट के अंदर आपके आ जाएंगे म्यूचुअल फंड यूनिट सिक्योरिटी बीसिफ पास थ्रू सर्टिफिकेट फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे किसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखिये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है पार्टिसिपेंट्स है कहां पर फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है बट उस प्लेटफॉर्म पर जो आपकी ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है वो कौन है दैट इज फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं कहाँ से कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल से जहां पर आप लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया आप लोगों से और उसको कहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर उसकी जरूरत है इट मे बी ट्रेड इट मे बी इंडस्ट्री एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है वो सिक्योरिटीज को बाय और सेल करवाने में आपकी हेल्प करती है डिपोजिट को एक्सेप्ट करते हैं लोन्स देते हैं और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं मोबिलाइजर्स होते हैं किसके मोबिलाइजर्स होते हैं आपने जो सेविंग की है उसके मोबिलाईज मोबिलाइजर्स होते हैं आपके कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं आप उसको किस बेस पर डिफर करोगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फंक्शनल बेसिस क्या है जियोग्राफिकल एरिया क्या है सेक्टोरल स्कोप क्या है उसके बेस पर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकते हैं डिफर कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट टाइप है दैट इज रेगुलेटरी एंड प्रमोशनल इंस्टीट्यूशंस फिर आपका आता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अननोन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट देखिए फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा है कि एक कंपोनेंट है किसका कंपोनेंट है आपकी फाइनेंशियल सिस्टम का फाइनेंशियल मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट है किस चीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप फाइनेंशियल मार्केट को इकोनॉमिक ग्रोथ का बैरोमीटर भी कह सकते हो कि किसी इकोनॉमी की अगर आपको ग्रोथ देखनी है कितनी है तो आप उसकी फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ देखिए कि कैसी है अगर किसी इकोनॉमी की फाइनेंशियल मार्केट ग्रो कर रही है तो इट मीन्स आपकी वो इकोनॉमी भी क्या कर रही है ग्रो कर रही है बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट क्या है आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करती है आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो किसके अंदर डील करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट क्या है फाइनेंशियल मार्केट आर द सेंटर्स और अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज हमने पढ़ा था ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है आपको

कोई भी ट्रांजेक्शन हो गई कोई कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है परचेज कर रही है अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में या फिर ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट आप अपने फंड्स को सेविंग से करंट में, से से में डाल रहे हैं करंट से सेविंग में डाल रहे हो तो देयर शुड बी अ फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन काम करते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस की बना आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के देखिए फर्स्ट क्या कहता है फैसिलिटेट क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी आपसे पैसे को उठाकर ऐसी जगह पर प्रोवाइड करवाती है जहां पर उस पैसे की रिक्वायरमेंट है इट मींस क्या करती है फंड्स को एलोकेट करती है और लिक्विडिटी जनरेट करती है लिक्विडिटी कैसे जनरेट करती है जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको फंड्स प्रोवाइड करवाती है बैंक क्या करता है आपको लोन प्रोवाइड करवाता है तो अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो आप लोन ले सकते हैं उसके बाद आता है टू सर्व एज इंटरमीडिएट फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ सेविंग आपके फंड्स को क्या करती है दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करती है इट टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बैलेंस इकोनॉमी ग्रोथ देखिये बैलेंस इकोनॉमी ग्रोथ क्या होगी आपके पास सरप्लस पैसा है और वो पैसा कहाँ पर जा रहा है जहां पर उस पैसे की डेफिसिट है इट मीन सरप्लस फंड से डेफिसिट प्लेस पर जा रहा है तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी है बैलेंस्ड ग्रोथ है प्रोवाइड फाइनेंशियल कन्वीनियंस आप इजिली कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस कर सकते हैं एट लो कॉस्ट लो कॉस्ट पे कैसे होता है इन केस इफ यू आर डीलिंग योर फॉर योर सिक्योरिटी थ्रू अ ब्रोकर देन ब्रोकर एंड ब्रोकरेज ऑफ अर ब्रोकर इज वेरी लो टू कैटर टू द वेरियस क्रेडिट नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए तो उसने भी उनकी हेल्प करती है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया ऑर्गेनाइजेशन को जहां पर वो अपनी सिक्योरिटीज को जनरेट कर सकती है टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स उसके बाद आता है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स मेनली फाइव वेज होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्लेम फाइनेंशियल क्लेम के बेस पर फाइनेंशियल क्लेम के बेस पे आपके टू टाइप के मार्केट है डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट डेट मार्केट आपको पता है क्या होता है फिक्स क्लेम होता है अगर कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए हैं तो आपको कंपनी से क्या मिलेगा इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको किसके ऊपर डिवेंचर्स इट मींस वो क्या है फिक्स्ड क्लेम है कंपनी को देना ही पड़ेगा सेकंड आता है इक्विटी मार्केट इक्विटी मार्केट के अंदर क्या होता है रेजिडियल क्लेम रेजिडियल क्लेम्स होता है लास्ट ऑफ एवरीथिंग इन केस ऑफ बाइंडिंग ऑफ कंपनी अगर कोई कंपनी बंद हो रही है आफ्टर पेमेंट ऑफ एवरी क्लेम्स सारे क्लेम्स की पेमेंट करने के बाद इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट कुछ भी बचता है देन इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट अदरवाइज नो तो इसलिए इसे बोला जाता है रेजिडियल क्लेम्स की लास्ट ऑफ एवरीथिंग उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ क्लेम मेच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेस पर है आपकी मनी मार्केट देखिए मनी मार्केट क्या होती है जो शोर्ट टर्म फंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है शॉर्ट टर्म समझते हो लेसर देन वन ईयर अब मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर वन ईयर और लेसर देन वन ईयर दैट इज मनी मार्केट लिक्विड फंड्स एज एज वेल हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट अगर आप एक साल से कम की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो मनी मार्केट होगी और वो आपके फंड्स कौन से होंगे लिक्विड फंड्स होंगे जिन्हें आप इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन वन ईयर मन ये आप अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम्पल्स गिवन आपको मनी मार्केट के आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ट्रेजरी बिल मार्केट कोल्ड मनी मार्केट एंड मार्के, कमर्शियल बिल मार्केट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और मेन पार्टिसिपेंट्स आपके कौन होते हैं मनी मार्केट के अंदर कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं उसके बाद आता है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट अपोजिट ऑफ मनी मार्केट लॉन्ग टर्म फंड सिक्योरिटीज आर फॉर मोर देन ईयर मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा मोर देन वन ईयर तो उस मार्केट को हम क्या कहते हैं कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट के अंदर जनरली स्टॉक मार्केट हो गई आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट हो गई डेरिवेटिव मार्केट हो गई ये आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं कैपिटल मार्केट के इनको आप अच्छे से याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं उसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग ऑफ क्लेम प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करती है तो कौन सी मार्केट में इशू करती है प्राइमरी मार्केट में इसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं बिकॉज़ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम तो इसको हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं प्राइमरी मार्केट क्या करती है सेविंग्स को मोबिलाइज करती है एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड करवाती है बिजनेस यूनिट्स को उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट जस्ट ऑपोजिट टू प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड तो उस मार्केट को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट एक कंपनी है उसने अपने शेयर्स पहले से इशू किए हुए अब उसको फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर निकाल रही है तो वो कौन सी मार्केट के अंदर निकालेगी सेकेंडरी मार्केट के अंदर उसके बाद आता है आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज जिसको रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेट कर रही है अनऑर्गेनाइज जिसको रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेट नहीं कर रही है उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ डिलीवरी कैश एंड स्पोर्ट मार्केट आज आपने कोई भी सिक्योरिटीज के अंदर डीलिंग की आपने कैश पे पर आपने कैश पे किया और सिक्योरिटीज आपको मिल गई इमिजिएटली दैट इज कैश और इसे आप स्पोर्ट मार्केट भी बोल सकते हो ऑन द स्पॉर्ट एक आता है आपका फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्च की मार्केट के अंदर क्या होता है आप डीलिंग आज करते हो बट आपको उस सिक्योरिटी की डिलीवरी आज नहीं मिलती आप डीलिंग आज कर रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो टाइम कौन सा होगा आपका फ्यूचर में तो इसलिए इसको फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं कि आप बाय और सेल कर रहे हो सिक्योरिटी को आज लेकिन आपको उसकी डिलीवरी फ्यूचर टाइम में मिलेगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो दैट इज फ्यू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट नेक्स्ट आपका आता है अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेरिवेटिव फॉरेन एक्सचेंज जैसे नाम से ही क्लियर है जो फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर करेंसीज के अंदर काम करती है वन कंट्री करेंसी स्टडी फॉर अनदर कंट्री करेंसी तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेरिवेटिव मार्केट ऊपर हम पढ़ के आए हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर फॉरवर्ड और फ्यूचर जिस मार्केट में काम करता है दैट इज डेरिवेटिव मार्केट डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली किसके लिए होती है रिस्क को हेज करने के लिए आप आज रिस्क को बियर नहीं करना चाहते बट कोई सामने वाला पर्सन है वो रिस्क को बियर करना चाहता है तो आप क्या करते हो सिक्योरिटी के लिए आज डील कर लेते हो फ्यूचर प्राइस के लिए कि आप उसको फ्यूचर के अंदर परचेज करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट डेरिवेटिव मार्केट के टाइप क्या है फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वैप उसके बाद आता है हमारा हमने थर्ड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा था फाइनेंशियल सिस्टम का दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गई आपकी सिक्योरिटीज जो भी सिक्योरिटीज है जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड होती है किसके थ्रू ट्रेड होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसको आप फाइनेंशियल एसेट्स भी बोल सकते हो फाइनेंशियल एसेट्स जो ट्रेडेबल होती है जिसको आप ट्रेड करते हैं दैट इज फाइनेंशियल 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 एसेट्स एसेट्स क्या है फाइनेंशियल एसेट्स का काउंटर पार्ट रहती है अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी उसके रिटर्न में आपको डिविडेंड भी देगी इट इटमीन्स फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या है फाइनेंशियल एसेट्स के काउंटर पार्ट है कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो कंपनी को कुछ पे भी करना पड़ेगा तो कंपनी के पास जब फाइनेंशियल एसेट्स जनरेट होती है उसके साथ साथ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी जनरेट हो जाती है कुछ नॉन ट्रेडेबल भी आपकी सिक्योरिटी है फाइनेंशियल एसेट्स लाइक आपने बैंक में बी कर दी पोस्ट ऑफिस में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली आपने प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड ये सब क्या है आपके नोट ट्रेडेबल जिनको आप ट्रेड नहीं कर सकते तो ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं जितने भी सिक्योरिटी ट्रेडेबल होती है इक्विटी शेयर्स हो गए डिवेंचर्स हो गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई बोन्स हो गए ये सब आपके क्या है ट्रेडेबल सिक्योरिटीज होती है देखिए आगे ये क्या कहता है हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है फंड्स फंड करता है मनी को सप्लाई करता है लेसर देन वन ईयर है तो कौन सी मार्केट में करेगा मनी मार्केट में तो आप उसे क्या बोलेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और और ये आप एग्जांपल याद रखिएगा जरूर ऊपर भी मैंने आपको बोला था ट्रेजरी बिल कमर्शियल पेपर गोल्ड मनी शोट नोटिस मनी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं जिनके फीचर्स होते हैं इक्विटी और डिवेंचर्स दोनों का आपको एग्जांपल गिवन है यहाँ पर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जिसको कंपनी कभी भी जिन डिवेंचर्स को कंपनी कभी भी शेयर्स के अंदर ट्रांसफर कर सकती है दैट इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कैश इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं आपके आर द इंस्ट्रूमेंट बाय द मार्केट मार्केट की फ्लक्चुएशन से जिनकी वैल्यू डिटरमाइंड होती है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके हो गए फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी भी होते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्टर को दिए जा रहे हैं लाइक शेयर्स डिवेंचर डायरेक्टली इशू टू द पब्लिक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जो पहले इंटरमीडियरीज को दिए जाते हैं कि आप शेयर्स में तो डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इट इज योर चॉइस यू ब्रोकर और नोट बट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंटरमीडिएट को ही दिए जाएंगे उसके बाद अल्टीमेट सेवर्स को मिलते हैं ये एग्जाम्पल्स गिवन है आपको कुछ सेकेंडरी के उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट है दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक मार्केट की जरूरत है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट किसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप इन्वेस्ट किस में करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अब इस सारे प्रोसेस में जितनी भी सर्व जो भी आपकी सर्विसेज होगी वो सब के वो किसके अंदर इंक्लूड होगी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज पहले पार्ट नहीं था फाइनेंशियल सिस्टम का बट अब फाइनेंशियल सिस्टम ने इतना ज्यादा ग्रो कर लिया है तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसका एक पार्ट बन गया है लेट टू द एमरजेंसी ऑफ अ न्यू सेक्टर न्यू सेक्टर कौन सा है आपका फाइनेंशियल सेक्टर्स चलिए आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आप बैंक में जाते हो सपोज तो आप बैंक में क्या करते हो एक स्लिप है उसको आप डिपोजिट इन स्लिप जो होती है आप उसको फिल करते हो फिल करने के बाद आप एक क्यू के अंदर कर, खड़े हो रहे हो फिर आप अपने नंबर से अपने पैसे को इन्वेस्ट करवा रहे हो तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड होता है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट कर into, into करने के लिए इंपोर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी है लीजिंग फाइनेंसिंग हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट बैंकिंग फैक्टोरिंग फॉरन एक्सचेंज सर्विसेज ओके तो लास्ट आपका आता है दैट इज कंक्लूजन देखिए आपने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ लिया है तो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली क्या होता है एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट टूल है वो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है और वो कैसे करता है सेविंग्स को मोबिलाइज करवाता है जहां पर उस पैसे की जरूरत है उसको फर्दर इम्पोर्टेंट एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करता है जहां से आपकी इकोनॉमी क्या करती है ग्रो करती है इंक्रीजिंग द नेशनल आउटपुट ऑफ द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग उससे आपका उससे बिजनेस डेवलप हो रहा है बिजनेस डेवलप हो रहा है तो इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू आज जितने भी हमारे गाँव हो गए वहां पर भी बैंक खुल गए है रूरल डेवलपमेंट बैंक है आपके कोऑपरेटिव बैंक है जहां पर पहले बैंकिंग सर्विस जाती ही नहीं थी अब वहां पर भी बैंकिंग सर्विस जाने लग गई है ओल्ड पीपल नो द वैल्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम सबको पता है कि बैंक्स का क्या क्या फायदा है तो ये सब किसके थ्रू हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू हुआ है चलिए आज के लिए इतना ही आप इसको स्टडी आउट कीजिएगा होप्स आप लोगों को समझ आया होगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट यूनिट को लेकर तब तक आप इसको स्टडी आउट कीजिएगा डॉक्टर दीपिका अग्रवाल थैंक यू वेरी मच